ये है नॉइस ट्विस्ट गो और ये है फायरवॉल फिनिक्स प्रो और आज हम इन दोनों स्मार्ट वॉचेस का करेंगे तगड़ा सा कंपैरिजन। हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज दर्शन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, जैसा कि पता है आप लोगों को, यहाँ पे नॉइस ने अपनी एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च करी है जो कि है नॉइस ट्विस्ट गो। इस स्मार्ट वॉच में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो फिनिक्स प्रो से मिलते जुलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंपैरिजन वीडियो बना दी जाए और बताया जाए आप लोगों को कि कौन सी स्मार्ट वॉच ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए। तो चलते हैं फटाफट साइड बाय साइड कंपैरिजन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कौन सी स्मार्ट वॉच आपको लेनी चाहिए, कौन सी ज्यादा यहाँ पे एक्यूरेट निकल कर आती है। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 10K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं टेक्नोफायर के, तो जल्दी से सब्सक्राइब मार दो। तो दोनों की सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा। दोनों स्मार्ट वॉचेस सर्कुलर डायल में आती है, दोनों की काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी लगती है देखने में। यहाँ पे मेटेलिक बॉडी दी गई है, एक वर्किंग क्रॉन बट मिल जाता है यहाँ पे आप लोगों को फिनिक्स प्रो में, और यहाँ पे कोई वर्किंग क्रॉन देखने को नहीं मिलेगा नॉइस ट्विस्ट गो में। साथ ही साथ दोनों में ही आप लोगों को 22mm के स्ट्रैप मिल जाएंगे, दोनों की स्ट्रैप की क्वालिटी काफी अच्छी है यहाँ पे, नो डाउट। मेटेलिक स्ट्रैप मिलता है आप लोगों को यहाँ पे नॉइस में, सिलिकॉन का स्ट्रैप मिल जाता है आप लोगों को फिनिक्स प्रो में। ओवरऑल यार दोनों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे निकल जाती है यहाँ पे फिनिक्स प्रो वर्किंग क्रॉन होने की वजह से। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की यूआई एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो देखो, फिनिक्स प्रो को यूज करते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत अभी तक फेस नहीं करी है इसकी यूआई को लेकर। जितनी बार भी मैं इसको यूज करता हूँ हर बार काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है मेरा। वही बात करूं मैं नॉइस की, तो ये भी बढ़िया काम कर रही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। अक्सर नॉइस की स्मार्ट वॉचेस में आपको यूआई लैगी मिलती है, बट यहाँ पे कोई दिक्कत आप फेस नहीं करोगे। बट टच रिस्पॉन्स यहाँ पे मुझे फिनिक्स प्रो का ज्यादा बेटर लगा है, 19-20 का ही फर्क देखने को मिलेगा आप लोगों को। डिसअपॉइंट तो आप दोनों में से किसी में नहीं होने वाले। अब करते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के एक सिमिलर फीचर्स के बारे में बात। तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को 1.39 इंच की काफी बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और काफी क्वालिटी भी अच्छी ही देखने को मिलती है दोनों में ही। पिक्सल रिजोल्यूशन भी यहाँ पे दोनों का सेम है, पिक्सल रेट नहीं होगी इतनी ज्यादा, होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। दोनों में ही 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर कोई इशू फेस नहीं करने वाले हो। साथ ही साथ कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो और क्वालिटी कहीं ना कहीं मुझे फिनिक्स प्रो की ज्यादा बेटर लगती है अगर मैं कस्टम वॉच फेस की बात करूं तो। इसके अलावा इन दोनों में ही आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। हेल्थ ट्रैकर्स में हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं। बाकी वही बात की जाए इनके बेसिक फीचर्स की, तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, फाइंड माय फोन, डू नॉट डिस्टर्ब और टॉर्च जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाने हैं। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को टाइम पास के लिए कुछ गेम्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे मोर एंड लेस दोनों में सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, तो नॉइस में आप लोगों को कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है जो कि फिनिक्स प्रो में मिसिंग है, और ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जो कि फिनिक्स प्रो में ना हो। बाकी फिनिक्स प्रो के अंदर आप लोगों को एक तो वर्किंग क्रॉन मिल जाता है जो कि काफ़ी सही चीज़ लगी है, दूसरा ये कि इसकी UI और टच रिस्पॉन्स थोड़ी ज़्यादा बेटर निकल कर आती है। बात करते हैं इनकी एक्यूरेसी की, तो देखो दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, एक्यूरेसी के मामले में दोनों में से किसी ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, दोनों का हार्ट रेट भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, SpO2 का भी सेंसर यहाँ पे दोनों ही स्मार्ट वॉचेस का काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट कोई दिक्कत आप भी फेस नहीं करोगे। स्टिल मैं यही कहूँगा यार, दोनों में से किसी भी स्मार्ट वॉच पे ज़्यादा रिलाई मत रहना, क्योंकि दोनों ही बजट स्मार्ट वॉचेस है, तो आप लोग सीरियस सिचुएशन में मेडिकल इक्विपमेंट का ही यूज़ करना। अभी मैं आप लोगों के सामने इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की कॉलिंग क्वालिटी को रख देता हूँ, आप लोग खुद चेकआउट कर लो। हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा, नई स्मार्ट वॉच आई है उसी से कॉल कर रहा हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर दूर से बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं ठीक आ रही है आवाज। अच्छा चल ठीक है, यही पूछ रहा था। हेलो हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? सब बढ़िया, अपने बताओ। बस ठीक हूँ। आवाज सही आ रही है क्या मेरी? हाँ आवाज तो सही आ रही है। प्रॉपर जैसे फोन से आती है वैसी आ रही है? हाँ बस थोड़ी दूर से आ रही है ऐसा लग रहा आवाज। हाँ मैं थोड़ी दूर से ही बात कर रहा हूँ ना, वॉच से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही या फिर इधर उधर की आवाज तो नहीं आ रही? नहीं आवाज तो सही आ रही है। अच्छा चल ठीक है, यही पूछ रहा था। होप करता हूँ यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी का एक आइडिया मिल गया होगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना किसकी कॉलिंग क्वालिटी आपको बेटर लगी है। कंक्लूजन पे आते हैं और बात करते हैं आपको इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए।
तो देखो यार, मेरे हिसाब से दोनों ही स्मार्ट वॉचेस 1100-1200 रुपए की रेंज में आ जाती है और ऑफर वगैरह हमें 1000 रुपए में भी मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं दोनों ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है। बट अगर आप लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिनिक्स प्रो को यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो आप लोग फिनिक्स प्रो के साथ जा सकते हो आंख बंद करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉइस की स्मार्ट वॉच को भी यूज करते हुए मुझे 1-2 दिन हो चुके हैं, अभी तक इसमें भी कोई दिक्कत फेस नहीं करी है, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म जो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है वो फिनिक्स प्रो के साथ रहा है। इसके अलावा आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने इसलिए भी रखी है ताकि आप लोग खुद भी एक डिसीजन ले पाओ। अगर आप इनमें से किसी भी स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो बस यही थी आज की वीडियो, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।